सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि स्पाइस मनी वैलेट में पैसा कैसे ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और यदि नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आप यही बोलेंगे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। चल खैर छोड़िए, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार स्पाइस मनी वैलेट में पैसा ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्पाइस मनी वैलेट में पैसा ऐड करिएगा तो भीम यूपीआई एप्लीकेशन से ऐड करिएगा, या तो आप पेटीएम गूगल पे फोन पे एप्लीकेशन से ऐड करिएगा ताकि आपको आसानी हो पेमेंट ऐड करने में। और हाँ मैं आपको बता दूं, यदि अदर पेमेंट मेथड का यूज करते हैं जैसा कि नेट बैंकिंग और नेफ्ट कैश डिपॉजिट का ऑप्शन जो है यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन जो होता है ना कभी कभी वर्क नहीं करता है, और जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाता है वैलेट में पैसा ऐड करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन या पेटीएम या गूगल पे फोन पे से ऐड करिएगा ताकि आपको आसानी हो पैसा ऐड करने में। अब चलिए सीखते हैं कि हम कैसे पैसा ऐड करेंगे। तो भाई चलिए सबसे पहले हम यहां पर स्पाइस मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद में यहां वैलेट के ऑप्शन पर देख रहे हैं यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ वैलेट हमारा जो देख रहे हैं जीरो बता रहा है, तो चलिए अब हम ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद में प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें जितना अमाउंट लेना है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो अदर पेमेंट मेथड्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो मैं भीम यूपीआई एप्लीकेशन से पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पे विया यूपीआई के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर पे विया यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन होने लगेगी, तो हम भीम यूपीआई एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डायरेक्टली आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन में यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर से हम यहाँ पर पासकोड अपना एंटर कर देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम डायरेक्टली आ जाएंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्टली ये ओपन होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी मेथड में हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ कन्फर्म के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फिर से सेंड के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी रीजन कार्ड नहीं दिखा रहा है, तो फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब हमारे यहाँ मनी सेंड सक्सेसफुली हो गया है, 1000 रुपीज़ ऐड हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए योर स्पाइस वैलेट मनी वैलेट 1000 रुपीज़ हो गया, तो बैक टू होम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं थोड़ा कुछ देर के लिए। तो यार यहाँ तो पहले सबसे पहले तुम्हारा ऐप जो है अपडेट करने के लिए मांग रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर से सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट कर लेते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में यदि आप में भी यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन होना तो आप अपडेट कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे माई एप्स एंड गेम्स में आकर यहाँ पर स्पाइस मनी वैलेट को जो है अपडेट कर देंगे। यदि अपडेट का ऑप्शन आए तो आप अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए मेरा इंस्टॉल हो रहा है, अब इंस्टॉल होने के बाद में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो भाई चलिए फिर से बैक आकर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी स्पाइस मनी एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए फिर से ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1000 रुपीज़ ऐड हो गया है। यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको, ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ ऐड हो गया। और मैं आपको बता दूँ ना, फिर से चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऐड मनी वॉलेट पर क्लिक करके यहाँ अमाउंट को एंटर करते हैं। तो फिर चलिए यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट को एंटर करते हैं। अमाउंट को एंटर करने के बाद में यदि आप अदर पेमेंट मेथड का यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बता दूँ कभी कभी नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है वर्क नहीं करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भीम यूपीआई एप्लीकेशन से ऐड करिएगा तो इजी तरीके से ऐड हो जाएगा। भाई बस आज की इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।